मार्केट गिरने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट इतना नहीं गिरेगा। मार्केट ऐसा पैटर्न बना रहा है, 17,550 जोन बहुत खराब हो जाएगा, तो अब मार्केट डाउन साइड में आएगा, नहीं तो 17,600 ये जोन है, और मार्केट ऊपर में जाने के लिए 17,000 पहले 700, उसके बाद ठीक ठाक रहेगा तो 17,800 में जाने के लिए मार्केट प्लान कर रहा है। और मार्केट जो बोला था कुछ दिन बाद मार्केट 17,200 आ जाएगा, इतना तुरंत नहीं आएगा। शुक्रवार को मार्केट कहाँ पे काम करेगा देखना है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट कैसा रहेगा, उसके बाद कुछ खराब होगा तो तब 17,200 आ सकता है, नहीं तो मार्केट अभी ऊपर में जाने के लिए तैयार कर रहा है। ऊपर में कुछ पैटर्न खराब और ग्लोबली मार्केट खराब हो जाएगा तो मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो मार्केट की जो बड़ा रेंज मैंने बोला था 17,200 से 17,800, कुछ दिन पहले, दो दिन पहले भी और बहुत दिन से वो मार्केट छोटा रेंज में काम हो रहा था, थोड़ा थोड़ा छोटा रेंज में काम हो रहा था। मार्केट अभी लग रहा है एक बड़ा रेंज बनाया मार्केट, और इस रेंज में इस महीने अक्टूबर सेशन में भी ऐसा काम करेगा, और नवंबर सेशन में भी इस बड़ा रेंज में काम करेगा। मार्केट में जो डाउन साइड आने के लिए, बहुत डाउन साइड आने के लिए अभी भी मार्केट खराब तैयार नहीं हुआ है। कोई स्टॉक, अच्छा अच्छा स्टॉक डाउन साइड में आएगा तो खरीद कर सकता है। IRCTC 700 और 720 में आ जाएगा तो खरीद कर सकता है। IRCTC 680 और 700 में खरीद कर सकता आ जाएगा तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट में भी खुद करेंगे। IRCTC में 700 और 680 में आ जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। टाटा स्टील 86 में आ जाएगा तो इन्वेस्ट करना है ज़्यादा, अच्छा स्टॉक अभी है टाटा स्टील 118, बहुत अच्छा प्लेस था वो 86 और 96 में आ जाएगा तो टाटा स्टील बाई करना है। टारगेट 120 रहेगा लॉन्ग इन्वेस्ट, मीन्स 6 मंथ्स के लिए, और 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए वो आ जाएगा 180 और 118 ऐसा टाटा स्टील आ जाएगा। और भी गेल है और ऑयल सेक्टर है, कोल इंडिया है, बहुत अच्छा है कोल इंडिया, 230 में 220 में आ जाएगा तो इन्वेस्ट कर सकता, 240 तक अच्छा जोन कोल इंडिया में है। कोल इंडिया एकदम ख़राब नहीं है, कोल इंडिया अच्छा ही जाएगा, ऊपर में ही जाएगा ये कोल इंडिया। और जो जो स्टॉक जानना है मैं स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्स दे देंगे, मैसेज कर सकता हूँ। ओके।